पर रात के वक्त एक कार बर्फबारी के बीच सड़क को चीरती हुई चली जा रही थी। अर्जुन बेहद सावधानी पूर्वक ड्राइविंग कर रहा था कि तभी उसके कानों में उसके सीट के बगल में बैठे हुए उसके दोस्त आर्यन की आवाज टकराई। मौसम हमारी उम्मीद से ज्यादा ही खराब हो गया है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं एक कार को बीच रास्ते रोक दूं, तो ये हमारे जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। अर्जुन की बात सुनकर पीछे बैठी उसकी बीवी घबराए हुए अंदाज में बोली, मुझे तो यहाँ पर दूर दूर तक कोई होटल या गेस्ट हाउस नजर नहीं आ रहा। ठीक कहा भाभी, अगर यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है तो वो खतरनाक दरख्त और उन दरख्त पर जमी हुई मोटी मोटी बर्फ और खतरनाक जंगल। मेरे दोस्त, ये दरख्त दिन में बहुत खूबसूरत दिखते हैं। टूरिस्ट काफी दूर से सिर्फ इन्हें ही देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। अब बस भी करो अर्जुन, निकी बेहद ज्यादा डरी हुई है, उस बेचारी की तो नींद भी उड़ गई है। निधि अर्जुन और दिशा की 15 साल की बेटी थी, जो डरे हुए अंदाज में बोली, पापा मेरा तो ये सोचकर दिल कांपा जा रहा है कि अगर हमारी कार बीच रास्ते में ही कहीं खराब हो गई तो हमारा क्या होगा। चुप करो निधि, कितनी बार कहा है तुमसे कि अपने मुंह से अच्छी अच्छी बातें बोला करो। रहने दो भाभी, निधि अभी छोटी है, उसका डरना जायज है। मुझे तो इनके ऊपर गुस्सा आ रहा है, अगर सुबह के वक्त हम सब चलते तो अब तक पहुँच भी चुके होते। अब बस भी करो दिशा, सिर्फ तुम्हारी वजह से ही मैंने ये शॉर्टकट रास्ता चुना है, और मैंने तुम्हें बताया था कि इस रास्ते से हमें 50 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। अब मुझे अपने फैसले पे न जाने क्यों पछतावा हो रहा है। दरअसल अर्जुन अपने परिवार के साथ मनाली एक बिजनेस ट्रिप के लिए आया था। इस ट्रिप में उसका दोस्त आर्यन भी था, मगर मनाली से कुछ ही दूर उन सबको एक बेहद भारी ट्रैफिक मिल गया। अर्जुन एक दूसरा रास्ता भी जानता था, दिशा के कहने पर ही अर्जुन ने ये दूसरा रास्ता चुना था। वैसे मनाली पहुंचने में और कितना वक्त लगेगा, ये तो समझ में नहीं आ रहा। हमें इस रास्ते से चलते हुए 1 घंटे से ज्यादा हो चुका है, अब तक तो हमें पहुंच जाना चाहिए था। अर्जुन ने इतना कहा ही था कि तभी एक अजीब सा दिखने वाला आदमी कार के सामने आकर खड़ा हो गया। उस आदमी ने एक मोटी काले रंग की शॉल ओढ़ रखी थी और उसकी आंखें रहस्यमय तरीके से चमक रही थी। अर्जुन तुरंत अपने कार के बाहर निकलकर उस आदमी को गुस्से से देखता हुआ बोला, अंधे हो क्या, आपको दिखाई नहीं देता? अगर मैं सही वक्त पर ब्रेक नहीं लगाता तो अब तक तुम नरक में पहुंच गए होते। अर्जुन की बात सुनकर वो अजीब सा दिखने वाला आदमी भारी आवाज में बोला, तुम्हारी गाड़ी पंक्चर हो गई है साहब, मैंने अपने कानों से तुम्हारी कार की दोनों टायरों की फटने की आवाज सुनी। उस आदमी की बात सुनकर उसने जैसे ही अपने कार की टायरों को देखा तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसके कार की दोनों टायर बेहद बुरी तरीके से फट चुकी थी। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया, मेरे पास तो एक ही टायर पड़ा है, और इतनी रात में यहाँ कोई इंसान तो नजर नहीं आ रहा, मैकेनिक क्या खाक मिलेगा। घबराओ मत साहब, वो सामने देख रहे हो, वहाँ एक छोटा सा कस्बा है, उस छोटे से कस्बे में तुम्हें कोई होटल या गेस्ट हाउस नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ एक धर्मशाला है, तुम चाहो तो अपने खानदान के साथ वहाँ पर रात बिता सकते हो। अर्जुन उस आदमी से कुछ बोलता कि तभी पीछे से उसके कानों पर आर्यन की आवाज टकराई। क्या हुआ यार, क्या प्रॉब्लम आ गई, और तू किससे बातें कर रहा है? अर्जुन पीछे की ओर पलटा तो वहाँ आर्यन खड़ा था और उसे सवालिया नजरों से देख रहा था। अर्जुन आर्यन को उस अजीब से आदमी को दिखाने लगा, मगर ये देखकर उसके आश्चर्य होने का ठिकाना नहीं रहा जब वहाँ पर कोई भी आदमी मौजूद नहीं था। क्या हुआ, किसे देख रहे हो? कार के सामने अचानक एक अजीब सा दिखने वाला आदमी आ गया, मैंने कार के ब्रेक दबा दिए, मगर उसने बताया कि कार के दोनों टायर फट गए हैं। अर्जुन की बात सुनकर आर्यन ने कार के टायरों पर जैसे ही नजर डाली तो उसके माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। तो दोनों टायर पंक्चर हो चुके अर्जुन, लेकिन कार अचानक रुकी थी और हम सबने देखा था कि बाहर तू अकेला बातें कर रहा था। तभी अर्जुन की बीवी दिशा भी कार से बाहर निकल कर बोली, आर्यन सही कह रहा है अर्जुन, तुम अकेले बातें कर रहे थे।
कस्बा तो हम सबको दिखाई दे रहा है अर्जुन, लेकिन एक भी आदमी हमें दिखाई नहीं दे रहा। फिलहाल तो हम सब इस बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, हमें अब रात कस्बे में ही गुजारनी पड़ेगी। कुछ ही देर में वो सब उस कस्बे के अंदर खड़े थे जहाँ पर एक बेहद अजीब सा मौत का सन्नाटा छाया हुआ था। इस कस्बे को देखकर तो ऐसा लगता है मानो कि यहाँ पर कोई रहता ही नहीं। चारों ओर खतरनाक बर्फबारी हो रही है, सर्दी अपने चरम सीमा पर है। तुम्हें क्या लगता है, गांव के लोग बाहर निकलकर आधी रात के वक्त क्रिकेट खेलेंगे? तभी आर्यन की नजर कस्बे के एक ढाबे पर पड़ी। उसने देखा कि उस ढाबे के बाहर आग जल रही थी। वो देख यार, लगता है उस ढाबे पर कोई आदमी मौजूद है और वहाँ पर आग भी जल रही है। मुझे लगता है हम सभी लोगों को वहाँ पर जाना चाहिए। आर्यन, अर्जुन, दिशा और निधि को लेकर उस ढाबे के पास जा पहुँचा। उस ढाबे पर एक आदमी लकड़ियाँ जलाकर हाथ ताप रहा था। तुम सब लोग कौन हो और इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? हमारी कार बीच रास्ते में खराब हो गई है, वैसे आप कौन है? मैं इस गांव का मुखिया हूँ साहब। गांव की देखभाल करने के लिए मुझे अक्सर इस ढाबे में रात भर जागना होता है। और हाँ, ये कोई नई बात नहीं है, कस्बे के हाईवे पर अक्सर दोनों कारों के टायरों फट जाते हैं। मुखिया जी, क्या इस वक्त यहाँ पर कोई मैकेनिक मिल सकता है? आधी रात का वक्त है बेटा, इस वक्त तो कोई तुम्हें मैकेनिक नहीं मिलेगा। तो क्या यहाँ पर कोई होटल या रेस्टोरेंट? यहाँ पर कोई गेस्ट हाउस या होटल नहीं है। हाँ, तुम्हें यहाँ पर एक सराय जरूर मिल सकती है जहाँ पर तुम रात काट सकते हो। सामने तुम्हें छोटी सी गली दिखाई दे रही है ना, तुम उस गली के अंदर चले जाओ, वहाँ पर तुम्हें सराय दिख जाएगी। मुखिया के कहने पर वो चारों धीरे धीरे कदमों से उस गली के अंदर चले गए। उस गली के अंदर सारे के सारे मकान उजाड़ और वीरान पड़े हुए थे। ऐसा देखकर लग रहा था जैसे वहाँ बरसों से कोई ना रहता हो। तभी आर्यन की नजर उसी गली में एक बेहद पुराने घर पर पड़ी जिसके बाहर लिखा था मखना सराय। पता नहीं क्यों वो सराय अर्जुन और आर्यन को बेहद ज्यादा जानी पहचानी लग रही थी। अजीब बात है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम दोनों यहाँ पर पहले भी आ चुके हैं। ठीक कह रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। जो भी हो, अब जल्दी से अंदर चलो, मुझे बेहद ठंड लग रही है। वो चारों सराय के अंदर आ गए। उन चारों ने अंदर कदम रखा ही था कि तभी सराय का मुख्य दरवाजा एक तेज हवा के साथ अचानक बंद हो गया। दरवाजे के अचानक बंद हो जाने से वो चारों बेहद बुरी तरह से खौफजदा हो गए। ये दरवाजा अपने आप बंद कैसे हो गया? घबराओ मत भाभी, हो सकता है कि तेज हवा के झोंके से ये दरवाजा बंद हो गया हो, मैं अभी इसे खोलता हूँ। इतना कहकर आर्यन उस दरवाजे को पूरी ताकत से खोलने की कोशिश करने लगा, मगर वो दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। आर्यन के माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगी और दिशा का दिल किसी अनहोनी की आशंका से कांप उठा। मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मम्मा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मेरा दिल भी यही कह रहा है कि हम लोगों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए। निधि ने इतना कहा ही था कि तभी किसी के कदमों की आहट उन चारों के कानों पर पड़ी और उन चारों ने देखा कि सीढ़ियों से एक औरत उतरती हुई उन्हीं के करीब आ रही थी। कुछ ही देर में वो औरत उन सबके सामने आकर खड़ी हो गई। उस औरत को देखकर उन सबकी आंखें डर और दहशत से फटी की फटी रह गई। वो औरत कोई और नहीं बल्कि दिशा की हूबहू हम शक्ल थी। कौन हो तुम? ठीक से देखो दिशा, मैं भी दिशा ही हूँ। क्या मेरा चेहरा तुम्हारे चेहरे से अलग है? इतना कहकर अचानक दिशा की हम शक्ल एक दूसरे आदमी के रूप में बदल गई। उस आदमी को देखकर अर्जुन और आर्यन की आंखें दहशत और खौफ से फटी की फटी रह गई। मुझे याद आ गया, तुम तो मखना हो। ये कैसे हो सकता है, तुम तो मर चुके हो। हाँ, हमने तुम्हें अपने हाथों से मारा था। ठीक कहा तुमने, चलो तुम्हें कम से कम मेरा चेहरा तो याद है। आज से 20 साल पहले तुम दोनों यहाँ आकर रुके थे और मेरी बीवी की खूबसूरती पर तुम दोनों की बुरी नज़र थी।
तुम दोनों ने कितनी बेरहमी से मेरी बीवी को और मुझे जान से मार दिया था और मेरी सराय को आग लगाकर भाग गए थे, याद करो। अर्जुन और आर्यन को सब कुछ याद आ गया था। वो दोनों आज से 20 साल पहले इसी सराय में ठहरे थे। उस समय उनकी गिनती बिगड़ैल लड़कों में हुआ करती थी। सराय के मालिक मखना के बीवी की सुंदरता को देखकर वो दोनों बहक गए थे। उन दोनों ने मखना की बीवी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और पकड़े जाने के डर से उन दोनों ने मखना सराय में आग लगा दी और वहाँ से भाग गए। आखिर ये सब हो क्या रहा है? क्या बोल रहा है ये? दिशा और निधि अपनी पूरी ताकत लगाकर वहाँ से भागने ही वाली थी कि तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसके पैरों को किसी ने नीचे से जकड़ रखा हो। तभी मखना का चेहरा अचानक खौफनाक हो गया। उसकी आंखें बिल्कुल अंगारों की जैसे लाल हो गई। तभी अचानक तेज धमाके के साथ निधि के चेहरे के परखच्चे उड़ गए। इसने हमारी बेटी को मार डाला अर्जुन। तुमने मेरी बेटी को क्यों मारा? आखिर मेरी बेटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? इतना कहकर अर्जुन अपने जिस्म की पूरी ताकत लगाकर उस खौफनाक आदमी के पास दौड़ता हुआ चला आया। ऐसे ही तुमने मेरी बीवी को मारा था ना? अचानक दिशा का जिस्म हवा में उड़ते हुए शीशे की खिड़की से बुरी तरह टकराया। दिशा चीखती हुई सराय के बाहर की ओर गिर पड़ी। अचानक एक तेज धमाके के साथ अर्जुन और आर्यन के चेहरे के परखच्चे उड़ गए और सन्नाटा छा गया। अगले सुबह जब दिशा की आंखें खुली तो उसने देखा कि उसके आसपास बेहद सारे कस्बे के लोग उसे घेरे खड़े थे। उन कस्बे वालों में वो मुखिया भी था जो उन्हें कल रात ढाबे पर मिला था। कौन हो तुम? इस कस्बे की तो नहीं लगती। मुखिया जी, कल रात ही तो आप मुझसे और मेरे परिवार वालों से मिले थे और आपने ही मुझे सराय के अंदर जाने को कहा था और अब आप मुझे पहचान ही नहीं रहे। आपने मुझे सराय में क्यों भेजा? वहाँ एक आदमी और एक चुड़ैल का साया है। उसने मेरी आंखों के सामने ही मेरी बेटी को मार डाला। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुमसे कब मिला? वो सामने उस ढाबे पर। जरा ठीक से देखो, वहाँ तुम्हें कौन सा ढाबा नजर आ रहा है? दिशा ने जैसे ही नजर दौड़ाई तो उसने देखा कि वहाँ पर ढाबे का नामो निशान तक मौजूद नहीं था। वो सराय तो 20 साल से बंद पड़ा है बेटी। 20 साल पहले उस सराय को मखना नाम का एक आदमी अपनी बीवी के साथ चलाया करता था। कहते थे कि मखना की बीवी बहुत खूबसूरत थी। एक रात अचानक सराय में आग लग गई। मखना और उसकी बीवी जलकर राख हो गए। उनकी हड्डियां तक नहीं मिली। तब से कस्बे के लोग उस सराय के आसपास जाने से भी घबराते हैं। कहते हैं कि मखना अपनी बीवी के साथ आज भी उस सराय के आसपास ही टहलता रहता है। मुखिया की बात सुनकर दिशा को सब कुछ समझ आ गया कि जो गलती बरसों पहले उसके पति और उसके दोस्त ने की थी उसका बदला मखना ने उसकी बेटी और उसके पति को मार कर चुका लिया।